ले बच्चा तेरा खाना। थैंक यू। कितना अच्छा बच्चा था किडो, कभी भी नहीं रोता था, है ना? मतलब स्वीट बच्चा, दिन भर मेरे पीछे भागता रहता था, मम्मा मम्मा मम्मा। हाँ तो रोने से बेहतर तो मम्मा 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 करना बेटर आइडिया था ना, इडली जो चाहिए होता था वो मिल तो जाता था। कितनी जल्दी बड़े हो जाते ये बच्चे। I know. देख तो किडो को, इतनी सी उम्र में कितना कुछ कर रहा है। अभी स्कॉलरशिप भी मिली है उसे हायर डिग्री के लिए। हाँ, फिर किसी बड़ी फर्म में इंटर्नशिप, और वो कंपनी का नाम क्या है बताओ तू। डैड जस्ट स्टॉप इट नाउ यार, तुम सब सही कर रहे हो, यू आर डूइंग द करेक्ट थिंग। अरे तू कुछ खा ही नहीं रही है, फिर से डाइटिंग वाइटिंग कर रही है क्या? आई डोंट फील लाइक, थोड़ा तो कुछ खा। ओके दे दो जो भी देना है, ये ले। याद है चंदा, किडो कितना शांत और सुशील सा था ना, मगर कायरा पटाखा थी। अभी भी वैसी की वैसी है। पटाखा करेक्ट कहा, और मेरे साथ तो सबसे ज्यादा गुस्सा, मुंह बनाना, चिढ़ना। तुम बच्चों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कितना टफ काम है एक पेरेंट होना, एंड इट्स नेवर एंडिंग, कभी खत्म ही नहीं होता। वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट, नो छुट्टी। क्यों आशु? ऑल पेरेंट्स शुड बी अवार्डेड अ पद्म भूषण। हां आई लव द फूड। या नाइस, तू खत्म कर दो ना, जस्ट एंड इट। क्या पेरेंट होने का काम खत्म कर दो ना, बच्चे पालना इतना टफ काम है तो जस्ट एंड इट ना, जस्ट एंड इट। किसने कहा है पेरेंट्स बने रहने को? किसने कहा है? एक तो काम ठीक से शुरू नहीं किया, और फिर आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों कंटिन्यू किए जा रहे हो। जस्ट एंड इट, पुट एन एंड टू इट। जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप आराम से छोड़ के चले जाते हो, और फिर पूरी लाइफ ऐसे कंप्लेन करते रहते हो कि ये मुंह बनाती है, ये करती है, वो करती है। बच्चे पैदा करने का आइडिया किसका था? आपका, करेक्ट? और फिर जो चाहा उनके साथ किया, व्हाटएवर यू वांटेड, ओके? और फिर ब्लेम भी हम पे ही डालते हो। एंड इट्स टफ है, व्हाट डू यू मीन बाय टफ है मैन, टफ है माय फुट। हाउ कुड यू जस्ट अबैंडन मी? कैसे किया आपने ये? हाँ कैसे किया आपने ये? मुझे छोड़ के कैसे जा सकते थे आप दोनों? और वापस भी इसलिए लिया क्योंकि मैं सेकंड स्टैंडर्ड में फेल हो गई। यस आई फेल द सेकंड स्टैंडर्ड। बाप रे, शेम शेम, डम कायरा फेल द सेकंड स्टैंडर्ड। इतनी शर्म की बात थी आपके लिए? हाँ कि आप ऑल द वे वापस आ गए इंडिया ओनली बिकॉज आई फेल्ड द सेकंड स्टैंडर्ड। और जब मैं फाइनली खुश थी, जब मैं फाइनली खुश थी पैपी और नानी के घर में, मुझे वहां से भी ले गए, उनसे दूर कर दिया। यस पद्म भूषण जस्ट फॉर दैट। और एक पटाखा, एक्चुअली बॉम्ब है मेरे पास। आर यू रेडी? आई हैव बिगन थेरेपी। Yes, मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो अगर आप मेरे पीठ पे से मुझे पागल बनाने वाले, तो just say it to me right now. Sit on my face. Come on, sit. Sit. I'm crazy. Cuckoo. Kara's gone mad. Mad. यही सोच है ना आप सबकी? मुझे इसी को पागल समझते हो?